जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी। तो गाइस हमारी दूसरी बार बाइक पंचर हो गई है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ लीज एंड दिनेश ब्लॉग। सो कैसे आप सभी गाइस, आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह अपनी झक्कस परफेक्ट ब्यूटीफुल वाली मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और अभी बहुत ही शानदार और रिफ्रेशिंग वाली मॉर्निंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि गांव का जो माहौल है ना, और गांव का जो मतलब इस टाइम हल्की फुल्की कल बारिश हुई थी तेज, तो उसके बाद है ना वेदर बहुत ही शानदार हो गया था। तो बढ़िया होने के साथ साथ है ना, तो भाई रात को है ना नींद भी बहुत ज़बरदस्त आई, बहुत ही हल्की हल्की सी ठंड लगती रही और सोने में पूरी नींद हुई है, मज़ा आ गया। सो गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा वाराणसी के लिए, मैं और पवन ऑन बाइक, और सारी अपनी पैकिंग वगैरह हो गई है। सुबह 5 बजे का अलार्म था, ऑन टाइम उठे हैं, बैग अपने ओके हैं सारे। पवन अंदर, भाई कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। और भाई हमारी आज की सवारी होने वाली है ये हीरो स्प्लेंडर, जिसमें कि भाई साहब हम दोनों जाएंगे। अब चैलेंज ये है हमारे लिए कि इस पे तीनों बैग कैसे रखे जाएंगे, और यहाँ से लगेंगे अप्रोक्स 4 घंटे। यहाँ से है कितना, 160 किलोमीटर ना तो? अप्रोक्स 160 किलोमीटर है यहाँ से वाराणसी, और बीच में मौसम भी ख़राब ना हो जाए, तो बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। आई होप सब कुछ बढ़िया से निमट जाए और हम ठीक से वाराणसी पहुँच जाए। सो गाइज मैं जा रहा हूँ मनोज वाजपेयी के साथ। भाई साहब बिल्कुल गैंग ऑफ वासीपुर वाले वाजपेयी की वो आ रही है लुक। अब यहाँ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये हमने बैग पीछे बांध दिया, एक मेरे पीछे बैग है और एक पवन के पास है। तो भाई पूरा लोडेड होके जा रही है हमारी गाड़ियाँ। 1 hour later। तो गाइज हमारी बाइक में हो चुका है पंचर, तो बिल्कुल ही हवा खत्म है, और मैं जा रहा हूँ भाइयों के साथ। क्या हाल है भाई? भाई ने मेरे को लिफ्ट दिया, मैं इसकी साइकिल चला के लेके जाऊंगा और ये पीछे बैठेगा। ठीक है भाई, रेडी है? पवन भाई तू आ जा, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं साइकिल पे बनारस भैया के साथ। आइए भाई को मैंने बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं पहुंचा दिया, सांस चढ़ गया यार। पवन भाई साइकिल चलाया कर। अरे रेस लगाई है मैंने भाई, रेस लगाई है इससे। तो गाइस पेट्रोल पंप आ गया, अब पंचर लगवाते हैं और आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमारी बाइक का पंचर लग चुका है, अभी हम जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी वाले रोड पर हैं। सुबह 6:30 बजे सफ़र शुरू किया था, बट अभी हमें पहुंचने में अभी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाइक पे सफ़र कर रहे हैं। पवन भाई क्या फील है? सब बढ़िया है, बाबा ने बुलाया इंतजार। भाई सब बढ़िया है, पवन भाई बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, पर मेरी है ना पीछे यार ये डुड्डी सी में दर्द हो गया है। चल भाई चल, मिर्जापुर के आसपास है कहीं फोन खेल खेल दिया जाए हमारा। चलो यहाँ से निकलते हैं। हमारी दूसरी बार बाइक पंचर हो गई है, पवन आगे गया, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ पूरे यार, वो देख रहे हो कहीं पे भी दिख नहीं रहा, बहुत आगे है, पैदल पैदल जाना पड़ेगा। हे भोले शंकर, कितने हमारे परीक्षा लोगे आप अपने यहाँ दर्शन देने के लिए, बट कोई बात नहीं, चल रहे पैदल। धूप बहुत ज़्यादा है, बाइक का हालत ख़राब हुई यार। गाइस हमारी दूसरी बार जो बाइक पंचर हुई थी अभी फाइनली ठीक हुई है 1 घंटे बाद, और ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं ना, और ये जो शेड देख रहे हैं भाई, इसके पीछे वाराणसी का
एयरपोर्ट है, पास बाइक हमारी खराब हुई थी तो अभी चल रहे हैं, और यहाँ से एग्जैक्ट आधा पौना घंटा और लगेगा पवन भाई। हैं दिल्ली हो या बनारस, जाम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ से विश्वनाथ टेम्पल मात्र 4 किलोमीटर है, और यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई है ना वो लाइन, पूरा जाम ही जाम है आगे तक। और मौसम बड़ी अंगड़ाइयाँ ले रहा है, मौसम मुझे लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। A few moments later, वाराणसी में पहुँचते बारिश ने हमारा स्वागत किया, हमारा बैग ऐसे ढक दिए हैं। अभी फिलहाल हम पेट्रोल पंप पे हैं और बस वेट करें बारिश रुके और फिर हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू करें। बहुत टाइम हो गया यार बाइक पे बैठे बैठे, मेरे तो पीछे भी दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। बारिश रुकी है और अब हम निकले हैं घाट पे जाने के लिए, अभी रूम वगैरह भी लेना है, तो अभी फिर हम चलेंगे मणिकर्णिका घाट के पास जहाँ पे हमें अपना रूम लेना है, और वहीं से ही स्टे करेंगे और फिर वहाँ से रेस्ट करने के बाद निकलेंगे फिर कुछ घूमने के लिए आपके लिए कोई नया जायका, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जायका वाले चैनल पर आप देखो फिर वो सारी वीडियो। तो अभी सीधा चलते हैं मणिकर्णिका घाट। ये आ गया बाइक ड्रॉप, अभी से हम ले लेंगे हम लेफ्ट। ये अब यहाँ पे पूरी मार्केट है, पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर। तो गाइस काफ़ी देर चलने के बाद आ चुका है मणिकर्णिका घाट का एंट्रेंस गेट। देखिए गाइस ये है एंट्रेंस, अब इसी के अंदर हम जाएंगे। ये देखिए ये बोल शंकर भगवान की जय। गाइस पतली पतली गलियों से निकलते हुए हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। इस जगह पर पवन भाई जैसे ही चला सकते हैं बाइक। ये हमारा रूम है और यहाँ से देखिए हमारे रूम के बाहर से ही अस्थियाँ जा रही हैं, अस्थियाँ क्या पार्थिव शरीर जा रहा है मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो कि हमारे रूम से मात्र 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस में मणिकर्णिका घाट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि रात भर ऐसे ही अर्थियाँ जाती हैं घाट पे जलने के लिए। तो अभी सीधा वहीं चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या अभी माहौल है इस टाइम, क्योंकि बारिश से पड़ी है ना तो गंगा जी का लेवल बहुत हाई है। तो कह रहे हैं कि जिस घाट पे वो जलाते हैं ना अर्थियों को, तो वो अभी वहाँ पर बंद है, कहीं और जला रहे हैं, तो वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहाँ पहुँचने के बाद।